हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रोजमर्रा की खाने की ये चीजें ले सकती हैं आपकी जान। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये कॉमन फूड हो सकते हैं जानलेवा। क्या आपको पता है कि कुछ सामान्य से लगने वाले फूड्स अगर गलत तरीके से खाए जाए तो आपके लिए खतरा बन सकते हैं। ये जहरीले साबित हो सकते हैं और आपके शरीर को बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। यहाँ मैं कुछ ऐसे नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजें आपको बताऊंगी जो आपके लिए जहरीले हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला, जायफल। संवेदतः खाद्य पदार्थों में जायफल का अधिक मात्रा लेना असुरक्षित हो सकता है। 120 मिलीग्राम की खुराक में जायफल का उपयोग अथवा अन्य मानसिक साइड प्रभावों से जुड़ा है। जिन लोगों ने जायफल की बड़ी खुराक ली है वे मतली, सूखे मुंह, चक्कर, अनियमित धड़कन से पीड़ित हो सकते हैं। बहुत अधिक जायफल खाने से आपको तरह तरह के भ्रम हो सकते हैं, वहीं उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। मूंगफली। ज्यादा मूंगफली खाने से सदमे जैसी हालत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत के साथ बेहोशी और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। मूंगफली की ज्यादा मात्रा से एलर्जी भी हो सकती है जो कई बार मौत का कारण बन जाती है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी मूंगफली बहुत ही घातक होती है। मुंह में खुजली, चेहरे और गले में सूजन आदि इसकी एलर्जी के ही रीजन है। और तो और कई बार सांस लेने में भी परेशानी, अस्थमा अटैक भी हो सकता है। इसलिए जैसे ही किसी एलर्जी का एहसास हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके ठीक होने तक किसी भी ड्राई फ्रूट का सेवन ना करें। शहद। अनपॉश्चराइज्ड शहद में जहरीले टॉक्सिन्स होते हैं। इसके सेवन से सिर चकराना, उल्टी और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। राजमा। लाल रंग की राजमा में लैक्टिन्स होते हैं जिनसे पेट के सेल्स नष्ट होने लगती है। राजमा खाने के पहले इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छी तरह से उबालें। सेब के बीज। सेब के बीज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो साइनाइड पैदा करते हैं। इन्हें ज्यादा खा लेने से चक्कर आना, उल्टी, ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, कोमा और यहाँ तक की मौत भी हो सकती है। टमाटर की पत्तियाँ। टमाटर की पत्तियों में जहरीला पदार्थ होता है जिससे पेट दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा मात्रा में खाने से मौत तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिसे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।